हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टर ग्रीटिंग। एंड मैं आज जो एक टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको नहीं पता बट लोगों को पता है। ठीक है, सो व्हाट पीपल सी इन यू दैट यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, सो ये हम आज देखेंगे। एंड रीडिंग होगी डिवाइडेड इन जोडियक साइन के हिसाब से, विच साइन आर यू, लाइक यू नो एयर, वाटर, अर्थ और फायर, आप कौन सी साइन है उसके हिसाब से आपका हम आज प्रेडिक्शन करेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी फोर पाइल रीडिंग, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर के हिसाब से। ठीक है, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एयर साइंस। अगर आपकी जो बर्थडे है वो आती है जेमिनाई, लीब्रा या एक्वेरियस, आप अगर ये तीन जोडियक साइंस में से आप बिलोंग करते हैं, देन यू विल बी पाइल वन, दैट इज एयर साइन। सो लेट्स सी कि आपके अंदर ऐसी कैसी कौन सी क्वालिटीज है जो लोगों को पता है और आपको बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, ओके, आपके अंदर जो एक बिगेस्ट क्वालिटी जो है जो लोग आप में देखते हैं, दैट यू नो यू आर वेरी पीसफुल। आप लोगों की लाइफ में ना बहुत एक खुशियाँ लेके आते हैं, एक हैप्पीनेस लेके आते हैं। अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपनी जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप छुपा देते हैं और यू ट्राई टू स्प्रेड जॉय, यू ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस। आपके अंदर बहुत स्किल्स है जो आप लाइक यू नो यू डोंट यूज इट मोर ऑफन, यू कैन डू लॉट लॉट बेटर देन आप अभी जो कर रहे हैं। आप अपनी आधी स्किल से छुपा के ही रख देते हैं, यू आर सो गुड एट सो मेनी थिंग्स, लेकिन वो आप नहीं जानते, लेकिन लोग आप में देखते हैं और लोगों को पता है कि यू नो यू आर गुड एट मल्टीपल थिंग्स, बट यू नो बिकॉज यू फील कि दिस इज नॉट अ बिग क्वालिटी इन मी, एंड आप उसको उस हिसाब से परसीव नहीं करते हैं। लेकिन यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स ऑल्सो, आपके स्किल सेट्स भी बहुत अच्छे हैं। You know, you are, many people are very creative also in this air sign. But because they feel that, you know, it is not a big thing, they don't pursue it further, but others see that in you. So, despite aapke life mein problems hone ke bawajood, aapke life mein issues hone ke bawajood, aap logo ki help karte hain. Aapko lagta hai ki it's not a big thing, but people notice it and people feel that, you know, aap khud ko hamesha side mein rakhe, dusro ko हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दूसरों की यू आर लाइक वेरी हेल्पफुल। आप हर एक चीज में लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, सो पीपल सी दैट। लाइक आपको लेकिन लगता है कि यू नो यू आर जस्ट डूइंग लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग, बट दे सी दैट यू नो यू आर गिविंग योर हार्ट आउट एंड हेल्पिंग समवन एंड डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक दैट पर्सन फील कंफर्टेबल एंड एट ईज, और उनका काम हो जाए। आप कभी कभी अपने फाइनेंसिस में भी जगल कर देते हैं क्योंकि आप दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो पीपल ये भी नोटिस करते हैं, लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। शायद आप ये नोटिस नहीं करते कि आपको लगता है कि मैंने तो बस छोटा सा कुछ कर दिया है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एंड कभी कभी आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं किए, बट लाइक जो आपके साथ के लोग हैं, जो पीपल हु नो यू, दे फील लाइक यू नो यू स्पेंड वेरी लैविशली, एंड दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी। आप कभी कभी ओवर बजट भी हो जाते हैं और आपका बैलेंस भी खराब हो जाता है, बिकॉज यू वॉन्ट द फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, यू वॉन्ट ऑल द लग्जरीज आपके लाइफ में, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, अच्छे सुंदर चीजें हो, दैट इज वॉट यू वॉन्ट, और उस वजह से ना आपके ओवर बजट आप चले जाते हैं। सो अदर पीपल नोटिस दैट, बट यू फील अरे क्या हो गया, कमा लेंगे, हो जाएगा। सो दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड वॉट यू कैन चेंज इन योर सेल्फ एंड टू मेक यू लाइक यू नो कि ठीक है कि हेल्प कर दिया, बट अपने बारे में भी सोचना है एंड अपने बारे में भी करना है। एंड पीपल फाइंड लॉट ऑफ पीस इन यू फ्रॉम यू, कि आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना गिव्स देम लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, एंड लाइक यू जस्ट ब्रिंग अ नेचुरल जॉय इन समवन्स लाइफ, जो आपको लगता है कि यू नो दिस इज जस्ट माई नेचुरल पर्सनैलिटी, दिस इज माई बेसिक पर्सनैलिटी। एंड लेकिन ये होता है कि क्योंकि आप आपके लिए बहुत नेचुरली आता है, इसलिए आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अदर पीपल हुज लाइफ आर गोइंग थ्रू थिंग्स, उनको लगता है कि यू नो दिस पर्सन ब्रॉट सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस टू मी। ठीक है, सो लेट्स सी हमारा एंजल मैसेज क्या है फॉर एयर साइंस।
इट जस्ट सेज कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड अनलाइकली. आप जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा सही नहीं होगा. आपको कभी कभी दूसरों की भी हेल्प ले लेनी चाहिए. दूसरों से भी आप मदद मांग सकते हैं. आपको खुद ही अकेले अकेले सब सफ़र करना, सब प्रॉब्लम से गो थ्रू करना ज़रूरी नहीं है. वी कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड डोंट बी लाइक सो ब्रेव फ्रंट. कभी कभी टेक हेल्प एंड there will be people who will be ready to help you and be there for you also. Okay, so this was our air sign. Let's move on to water sign. So agar aapka jo hai zodiac sign hota hai Pisces, Cancer or Scorpio, then you are our water sign. Water sign ke liye dekhte hain log kya sochte hain unke bare mein, jo unko nahi pata hai ki unke andar kya hai aisi cheeze. पीपल थिंक दैट यू नो आप बहुत माइजर हैं. आपके हाथ से बहुत जल्दी खर्चा नहीं होता है. आप बहुत हार्ड टाइट रख के चलते हैं अपने एंड बहुत ज़्यादा आपको लगता है. आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाते हैं एंड दैट इज़ वॉट पीपल डोंट लाइक अबाउट यू एंड दे फील दैट यू नो यू जज अ लॉट. आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं फॉर वॉट एवर उनकी जो भी बेसिक पर्सनालिटी है, बेसिक नेचर है, उसको लेके आप उनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं. क्योंकि एक तो देखिए आप बहुत ज़्यादा आपके हाथ से खर्चा नहीं होता है तो लेकिन पीपल फील लाइक यू नो यू ऑलवेज देयर टू एन्जॉय ऑन अदर पीपल्स एक्सपेंसेस एंड अदर पीपल्स मनी. तो ये कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी जिससे क्या होगा ना कि थोड़ा आपकी जो एक इमेज है उससे उसमें थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट आएगा. बिकॉज अभी क्या लग रहा है लोगों को कि यू नो यू ऑलवेज देयर ऑन फ्री लाइक फ्री लोडर. ठीक है आई वुड नॉट से एवरी वन बट ये है कुछ लोगों के बारे में ये चीज़ आ रही है इधर कार्ड में. सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं एंड डोंट जज पीपल. ठीक है यू नो बिकॉज यू जज पीपल सो इट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी रॉन्ग इमेज आपके बारे में एंड यू नो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता है आपके लिए. वेन आई सी दी अदर कार्ड इसमें आता है कि लाइक यू नो आई एम गेटिंग अ लवर्स कार्ड. दैट मीन्स यू नो यू आउट यू गिव आउट लव ऑल्सो इक्वली. आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ों का टेक केयर करते हैं. लोगों की छोटी छोटी मैटर्स पे आप वर्क करके उनको हेल्प करते हैं. लाइक यू जस्ट गिव यू लाइक टू स्प्रेड लव. आप जितना भी प्यार दे सकते हैं उतना प्यार देते हैं. सो पीपल फील दैट यू नो कि आपको शायद पता नहीं है कि आप बहुत प्यार दे देते हैं कभी कभी. इट इज़ गुड ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज गुड. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गुड बट आप इतना प्यार भी मत दीजिए कि सामने वाले आपका मिस एडवांटेज उठा ले. कोई कोई लोग ये भी कर सकते हैं दैट यू नो यू गिव सो मच लव कि आप खुद को ही नज़रअंदाज कर देते, खुद को इग्नोर कर देते और इतना आप लव दे देते हैं. तो ये चीज़ आप मत कीजिए कि आप ही इग्नोर हो जाए सब चीज़ों में और आपको वो प्यार रिटर्न में ना मिले जैसा आपको चाहिए, जैसा आप डिजर्व करते हैं. ठीक है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. बट पीपल नोटिस आपके बारे में बट आप नहीं नोटिस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यू नो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं. सो ये कुछ चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू हाउ पीपल परसीव यू एंड हाउ यू शुड एक्ट इन फ्रंट ऑफ देम. सो आपकी इमेज एक इमेज भी इम्प्रूव होके आए एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट यू ऑल्सो. जो क्योंकि एक दो नेगेटिव पॉइंट्स है आपको लेके जो लोगों के माइंड में आते हैं कि यू नो इट इज़ नॉट गुड, तो वो आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर ले. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग रन ऑल्सो. सो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है फॉर आवर वाटर साइन. ओके तो इनको किसी तो चीज पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी. आई एम श्योर दे माइट बी नोइंग कि कौन सी चीज़ उनकी लाइफ में करंटली चल रही है जिसको लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं. तो अगर ये चीज़ वो कर देते हैं तो डेफिनेटली उनके लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट, एक बेटरमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज आई एम सीइंग लाइक यू नो बिग हैप्पी चेंजेस. आई एम गेटिंग दैट कार्ड कि कोई मेजर हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं उनके लाइफ में जिससे इनकी लाइफ एक बेटरमेंट के लिए एक अच्छा इम्प्रूव हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट अच्छी चीज़ें होके अच्छा काम होना उनके साथ शुरू हो जाने वाला है. ठीक है एंड विच विल मेक द लाइफ लॉट लॉट बेटर एंड लॉट लॉट हैप्पियर. ओके सो दिस वॉज अवर वाटर साइन. ओके
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अवर अर्थ साइन. अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो देखते हैं कि अगर आपका बर्थ ये जोडियक साइन में है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, देन यू आर एन अर्थ साइन. तो आपके लिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या है आपकी इमेज इन पीपल्स माइंड एंड हाउ कैन यू चेंज और हाउ विल इट हेल्प यू इन योर फ्यूचर. ओके, सो जितने भी हमारे अर्थ साइन हैं उनके लिए आ रहा है कि पीपल सी दैट यू नो योर लाइफ इज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स. ओके, यू ऑलवेज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स. आप इमोशनली एकदम वल्नरेबल होते हैं बहुत चीज़ों को लेके. आप डिस्टेंस भी खुद को लोगों से बहुत जल्दी कर लेते हैं. सो यू डोंट नोटिस ऑल दिस बट पीपल नोटिस इट. लाइक यू नो कि आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, आप इतने इमोशनली वीक है. एंड द सोल्यूशन दैट यू फाइंड इन ऑल ऑफ दिस इज लाइक यू नो गोइंग अवे. छोड़ दो सीन और फिर निकल जाओ इसमें से. सो पीपल डोंट लाइक दैट अबाउट यू. ओके, आप शायद ये नोटिस नहीं करते होंगे, आपको शायद ये पता नहीं होगा, बट लोग ये देखते हैं और नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशन इज नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. आपको उसमें रहना चाहिए, आपको उसमें फाइट करना चाहिए, आपको उसमें से पॉजिटिवली एक सोल्यूशन निकाल के निकलना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा ना कि छोटे छोटे चीज़ों में आप फंसे रहेंगे एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू एनी हैप्पीनेस एंड पीपल डोंट लाइक दैट अबाउट यू ऑल्सो. विच आप मानते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा पुश करते हैं लोगों को, जो आपको लगता है कि यू नो यू आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक, बट यू नो यू समटाइम्स यू पुश वे टू मच वेयर इट गोज लाइक यू नो नॉट इन अ गुड वे फॉर पीपल. तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि आप कुछ भी पुश करें, कुछ भी आप अपने मैसेज आपको कन्वे करने हैं, आपको कुछ अपनी बात बतानी है, तो ऐसे बताएं कि लोगों को ऐसा ना लगे दैट यू आर पुशिंग देम. फॉर यू इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग दैट यू नो यू जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस, बट दे डोंट लाइक यू नो सी इट दैट वे. दे सी दैट यू नो यू जस्ट पुशिंग, यू आर फाइटिंग, यू आर बिकमिंग एग्रेसिव अबाउट थिंग्स. तो ये नहीं करना है. Because they know that you know you are surrounded by problems and there are a lot of issues going on in your life, but that doesn't mean ki you know cheeze problems wali hain. You can act and get fixed also. So logo ke mind mein ye image aapki jo pad gayi hai ya pad rahi hai, ye aapko isko change kar sakte hain, because you are not aware what image you are creating in their mind. तो अगर ये आप कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्प यू एंड रियली पुश थिंग्स फॉर यू. ओके, ऑल्सो आई सी दैट यू नो लोग दे सी दैट यू नो यू ऑलवेज ब्रिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन. आपको लगता है कि यू नो यू आर जस्ट ट्राइंग, यू जस्ट हेल्पिंग आउट, बट आप कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए लेके आते हैं एंड यू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट. सो पीपल नोटिस दैट ऑल्सो अबाउट यू, बट वेर इज यू डोंट थिंक दैट यू नो कि आपने कुछ किया है. आप तो बस जो आपके पास आती है ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, आप लोगों को पास ऑन करते हैं. बट दिस इज ऑल्सो बींग नोटिस बाई एवरी वन अराउंड यू एंड लाइक यू नो हुआ विथ यू दैट यू नो यू डू दैट एज वेल, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी. तो ये चीज के लिए आपको आपको लोग एडमायर भी करते हैं. सो लेट्स सी कि आपके लिए और साइंस के लिए एंजल मैसेज क्या है. ओके, अगर आप कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या कुछ आपका होने का आप इंतज़ार है आपको, दिस इज इट इज़ नॉट द राइट टाइम एंड देयर इज समथिंग बेटर. तो वो चीज़ का आंसर ये है कि अभी सही समय नहीं आया है एंड देयर इज समथिंग बेटर आउट देयर फॉर यू विच विल ब्रिंग यू मोर बेटर एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड डू समथिंग बेटर फॉर यू. सो इट इज़ बेटर टू वेट एंड होल्ड ऑन फॉर सम मोर टाइम राइट नाउ एंड यू आर गोइंग टू सी बेटर एंड पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम दैट. ओके, so now let's move on to our last pile, that is going to be our fire sign. So agar aapka zodiac sign hai Aries, Leo
और सैजिटेरियस, देन यू आर अ फायर साइन. ओके, तो हम देखते हैं कि आपका क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू दैट यू आर नॉट अवेयर. सो लेट्स हैव अ लुक. So what people feel about you is that you fight a lot. आप बहुत ज़्यादा लड़ते हैं लोगों से. You break people's heart in a fraction of seconds without thinking. आप बहुत ज़्यादा emotionally cut off हो जाते हैं लोगों से and you don't connect to their hearts. एक तो आप बहुत aloof है. You are like an introvert kind of a person जो खुद में रहना पसंद करते हैं. एंड बिकॉज वो होने के बाद भी आप ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं एंड यू वॉन्ट थिंग्स योर वे ओनली. यू आर वेरी पुशी, यू वेरी अडामेंट. आपको चीज़ें अपने हिसाब से ही चाहिए. अगर आपके हिसाब से ना हो देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन योर लाइफ. आपको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से. आपको इतना ही चाहिए कि लोग बस आपकी बात सुने, माने, समझे एंड दैट्स इट. एंड इफ इट डजेंट हैपन यू जस्ट ब्रूटली ब्रेक पीपल्स हार्ट एंड वेर इज यू नो पीपल नोटिस दैट एंड पीपल डोंट लाइक दैट क्वालिटी अबाउट यू. आपकी आपको लगता है कि यू नो यू जस्ट बींग ऑनेस्ट, यू जस्ट सेइंग थिंग्स ऑन देयर फेस, बट यू डोंट नो हाउ मेनी हार्ट्स यू ब्रेक एंड हाउ मेनी पीपल यू डिसअपॉइंट बाई डूइंग दिस एक्शंस एंड यू नॉट बींग देयर फॉर पीपल. You sometimes come across in people's mind as very selfish and self-centered. आप जो करते हैं आपकी एक्शंस में भी अच्छी होंगी बट लोगों को लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी और सिर्फ अपने बारे में और अपनी अपने लिए ही सोचते हैं एंड आप लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं. एंड यू आर वेरी डिटैच पर्सन. आपको इमोशनली किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है. आप बस अपनी लाइफ में खुश है, अपने से ही आपको खुशी मिलती है. किसी से आपको ना कोई खुशी मिलती है ना कोई अटैचमेंट होती है. सो ये चीज़ें आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है इन पीपल्स माइंड एंड दे डोंट लाइक दैट अबाउट यू. सो बिकॉज ऑफ दैट ना आपसे लोग डिस्कनेक्ट होके ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है इनको, इसलिए आपसे डिस्कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं. सो बट वन थिंग दैट दे लाइक अबाउट यू इज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आप उनके लिए खड़े रहेंगे. यू नो टू योर वेरी क्लोज वंस यू विल स्टैंड फॉर देम, यू विल टॉक टू देम, यू विल हेल्प देम एंड यू विल लाइक यू नो बी देयर सपोर्टर ओनली व्हेन रियली द नीड अराइजेस. ये आप रियलाइज नहीं करते कि लेकिन लाइक यू नो ये डिसाइड करना भी आपके हाथ में आप रखते हैं कि किसके लिए मुझे खड़ा होना है, किसके लिए नहीं खड़ा होना है. बिकॉज फॉर यू योर सर्कल इज़ वेरी लिमिटेड एंड योर हराइजन इज़ वेरी लिमिटेड. आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोचते हैं कि ये मेरे इतने लोग हैं, मैं इन्हीं के बारे में मुझे सोचना है, इन्हीं के लिए मुझे करना है. उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं करना पसंद करते हैं. सो ये एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है. वेयर पीपल नोटिस दैट यू नो आप बहुत लिमिटेड अपनी होराइजन रख रहे हैं एंड थोड़ा आपको अपना होराइजन बढ़ाना चाहिए. आपको यू हैव टू बी आउट देयर इन पब्लिक, आउट देयर विद पीपल एंड डू थिंग्स विच विल रियली हेल्प यू इन द फ्यूचर. ओके, सो दिस वॉज अवर रीडिंग फॉर दी फायर साइन. लेट्स सी कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है. सी यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग क्लियरली व्हाट यू रियली वांट, व्हाट यू रियली फील एंड व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू इन लाइफ. आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, उतने ज़्यादा आप लोगों से अच्छा कनेक्ट करेंगे एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू कनेक्ट विद पीपल ऑल्सो. आप अकेले अकेले अपनी फुल लाइफ में नहीं रह के अपनी लाइफ निकाल सकते हैं. एंड इट सेज लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन वेयर यू सी समथिंग पॉजिटिव कमिंग फॉर यू बिकॉज आई सी देयर इज देयर माइट बी समथिंग पॉजिटिव कमिंग फॉर यू. सो लुक फॉर अ साइन जो आपको एक न्यू डायरेक्शन दिखाए, एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाए आपकी लाइफ में. ठीक है, सो दिस वॉज अवर रीडिंग फॉर ऑल द फोर साइंस, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर. होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है ना आप रेसोनेट कर पाए हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी.
अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक पे मैं रीडिंग लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई मेक दैट वीडियो. एंड प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो माई इंस्टाग्राम पेज टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स टू फॉलो इट देयर. So, if you want a private reading, please connect with me as well. DM me and we can connect. So, thank you everyone for joining today and hope you have a great day. Bye.